तेजस्विनी शर्मा आपके प्यारे पे हूँ। तो आज हम यहाँ सर्किट हाउस में आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं। यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स एग्जीबिशन लगी हुई है। हाँ। और आप देख सकते हैं स्वागतम, यहाँ से वेलकम, यहाँ से एंट्रेंस में हम ले चलते हैं। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, स्वागतम। ये जो है मंडली हमारे आगरा में प्रदर्शनी है, आपको पता है क्या क्या है? मंडलीय फल पुष्प शाक भाजी प्रदर्शनी। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटियों में आपको यहाँ पे फ्लावर मिलेंगे और यहाँ पर आपको सब्जियाँ मिलेंगी, यहाँ पे नई नई चीज़ें मिलेंगी जो आपने आज से पहले इतनी सारी वैरायटी नहीं देखी होंगी। तो ठीक है, अब हम चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे इस बार नया। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे फ्लावर पॉट्स को जोड़ के कितना सुंदर ये बना दिया है। सिनेरियो फ्लावर है। हाँ। ये 10 फिट का ऊपर ये गमलों से सजाया हुआ है पूरा राउंड सर्कल में। दिस इज अ सिनेरियो फ्लावर। ये देखिए हनी भी, हनी मक्खियाँ भी आनंद ले रही है फूलों के साथ साथ उनकी अपनी शहद बनाने की प्रोसेसिंग जो है वो जारी है। हाँ। बहुत ही सुंदर है दिखने में ये। हाँ, बहुत ही ज्यादा सुंदर। बहुत सारी कलर्स में है, ये देख सकते हैं आप, ये पर्पल वाइट मिक्स वाइट एंड पर्पल। तो ये कई तरह की इसमें कलरफुल सिनेरिया फ्लावर्स की ये एक वैरायटी है। मैंने अपनी बुक ग्रामर वाली बुक में देखा था जब फूल के अलावा इनको पुष्प भी कहते हैं। ये जिला कारागर आगरा में जो सब्जी उगाई जाती है उनके अंतर्गत ये मंडलीय फल साग भाजी प्रदर्शन में है, जो कि कल 1 मार्च से यहाँ पे लगी थी और आज इसका अंतिम दिन है यानी समापन दिन। तो वहाँ पर जो जिला कारागार है वहाँ पे क्या क्या सब्जियाँ होती है ये सब की झलक है, आप ये देख सकते हैं। ये जो वहाँ बंदी हैं, जो कैदी लोग हैं उनके द्वारा, हाँ बंदी भाइयों द्वारा, ये वहाँ पर देखिए जेल में सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ये उगाई जाती हैं। वो बताइए ये येलो कैप्सिकम भी है, बैगन है, गोभी है और बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, लगभग सारी सब्जियां हैं। देखो ब्रिंजल कितना बड़ा है, कितने बड़े साइज तक का तो आता है अपने आप में ना, इतना बड़ा कभी नहीं था वाला साइज। मूली दे दिया आपने, मूली आती हो, देखो कैबेज की साइज देखो, रेड रेड कैबेज। ये गांठ गोभी जिसे हम बोलते हैं, ये चुकंदर, येलो और रेड, ये मैंने भी पहली बार देखी है सच में। इससे पहले मैंने सिर्फ वो व्हाइट वाली देखी, येलो और ये रेड मैंने भी कभी नहीं देखी। ब्रोकली बताइए, ये चाइनीज कैबेज, ये चाइनीज प्याज पत्ते वाली उसकी सब्जी बनती है ये ये पाकचोई 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 थोड़ी खराब हो गई है, इसीलिए आपने देखी इससे पहले इतनी बड़ी? मैंने तो बस साधारण वाली देखी, बड़ी पहली बार देखी। इसका वेट तो बहुत बड़ा ज्यादा होगा, ये मशरूम है, ये मशरूम की अलग अलग वेराइटीज हैं। इस बोतल का आइटम और इसमें कितना अंतर है ये देखो, बहुत है लेकिन ये फ्रेश और ये अच्छा लग रही है। वो वेराइटी भी इसकी अलग अलग है, संतरा है, ये नींबू कागजी नींबू जिसकी अलग अलग वैरायटी है, ये कागजी नींबू, उसके बाद ये अमरूद, उसकी
पांच श्रेणी। इसके अलावा ये बेर देखो, बेर की प्यू, ये बेर देखे आपने, और ये आंवला।
टुकड़ा मिलेगा और उसी को अगर 10 लोग खाएंगे तो एक छोटा छोटा टुकड़ा मिलता है। क्या बना हुआ है यहाँ? तो कम से कम अगर भूख नहीं मिलेगी तो पेट पूरा तो भरेगा। करो करो। ऐसी स्थिति है हमारे पौधों की कि हजारों